hi everyone welcome back to Innoscript. so let's solve today's lead code challenge which is length of last word so let's first read the problem statement and then we'll try to understand what the problem is and how are we going to solve it so given a string s consisting of words and spaces return the length of last word in the string a word is a maximal substring consisting of non-space characters only राइट सो इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम यू जस्ट हैव टू टेल द लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी और उसका जो लास्ट वर्ड होगा उसकी आपको लेंथ रिटर्न करनी है तो अगर हम एग्जाम्पल वन देखें तो एग्जाम्पल वन है हेलो वर्ड लास्ट वर्ड इज वर्ल्ड तो विल रिटर्न द लेंथ ऑफ वर्ल्ड विच इज फाइव अगर हम इस एग्जाम्पल टू को देखें तो देर इज दिस स्ट्रिंग गिवन राइट और लास्ट वर्ड जो है वो मून है राइट द लेंथ ऑफ द लास्ट वर्ड विल बी फोर विच इज अ नोन स्पेस सब स्ट्रिंग राइट कोई भी स्पेस नहीं है इस वर्ड के अंदर अगर हम एग्जाम्पल थ्री को देखें तो रिटर्न so की, uh, की so करेंगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो मैंने एक स्ट्रिंग ली है प्रेरणा आप किसी और स्ट्रिंग पे भी ट्राई कर सकते हो ओके सो व्हाट कैन बी डिफरेंट अप्रोचेस लेट्स अगर मैं बात करूं तो पहली अप्रोच जो किसी के दिमाग में आ सकती है वो क्या आ सकती है कि आप इस एरे आप एक स्ट्रिंग के अंदर ये जो स्ट्रिंग आपको गिवन है माय नेम इज प्रेरणा आप इसको स्पेस के स्पेस को डीलिमिटर ले लो और उसको ब्रेक कर लो तो आपको चार वर्ड्स मिलेंगे विच इज माय नेम इज प्रेरणा राइट right? उस केस में आपका ओके okay, जब भी हम स्प्लिट करते हैं किसी स्ट्रिंग को अराउंडिमी तो, तो अगर हम इस की बात तो हम लेगा well. so, इस केस में भी हमारा आंसर लेंथ ऑफ लास्ट वर्ड ही रिटर्न करेगा विच इज नथिंग बट सेवन राइट तो एक अप्रोच ये हो सकती है ठीक है दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है आप क्या करो आप लास्ट से आप लास्ट से ट्रेड करना शुरू करो ठीक है और जैसे ही आपको स्पेस मिले और आप काउंट करते जाओ अब जैसे यहां पे आपको स्पेस मिलेगा तो यहां पे आप रुक के रिटर्न कर दोगे लेंथ को विच इज अगेन क्या है सेवन रिटर्न होगा अब से आपकी एक स्ट्रिंग ऐसी गिवन है जिसमें कोई स्पेस ही नहीं है वो खुद अपने आप में एक वर्ड है तो उस केस में क्या होगा कि आप ट्रेवर्स करते करते माइनस वन पे पहुंच जाओगे माइनस वन इंडेक्स पे माइनस वन को इंडेक्स नहीं है तो आप बाहर आके भी क्या करोगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करोगे एक अप्रोच ये हो सकती है ठीक है तो देयर कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लेकिन हम जिस अप्रोच पे बात करेंगे अब उस पे आते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि स्ट्रिंग के अंदर हमारे आगे भी स्पेसिस हो सकते हैं और हमारे स्ट्रिंग के एंड में भी हो सकते हैं राइट तो लीडिंग एंड ट्रेलिंग बोथ काइंड ऑफ स्पेसिस प्रेजेंट हो सकते हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर तो so, सबसे पहले तो हमें उसको हटाना है सबसे पहले तो हमें उसको हटाना है तो लेट्स से हमारे पास जावा के अंदर ट्रिम एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है सारे ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसिस को हटा देता है ठीक है दूसरा क्या है कि हमें क्या करना है अब जैसे ही हमने स्पेस हटाए तो हमें पता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो प्रॉपर शेप में आ चुकी है राइट तो हम क्या कर सकते हैं हम एक स्पेस का इस स्पेस का लास्ट इंडेक्स निका, निकाल निकाल सकते हैं तो यहाँ पे तीन स्पेसेस हैं पहला सेकंड इंडेक्स पे दूसरा सेवेंथ इंडेक्स पे और लास्ट वाला टेंथ इंडेक्स पे तो अगर मैं बोलूँ कि लास्ट इंडेक्स निकाल लो स्पेस का विच इज़ टेन राइट तो हमारे पास टेन आ जाएगा अब हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की वो 18 है तो 18 माइनस टेन करने पे मुझे 8 मिल रहा है बट क्या हमारा लास्ट वर्ड का लेंथ 8 है नहीं राइट तो हम क्या कर सकते हैं एक और माइनस करेंगे 8 माइनस वन विल बी सेवन तो हमें क्या मिल जाएगा हमें 7 मिल जाएगा हमें क्या मिल जाएगा हमें सेवन मिल जाएगा या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो इंडेक्स मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो तभी हमारे पास जो लास्ट इंडेक्स आया वो टेन आया तो आप टेन प्लस वन करके भी क्या कर सकते हो टेन प्लस वन इज इलेवन तो आप वो भी कर सकते हो कि एटीन माइनस इलेवन कर लो तब भी आपको सेवन ही मिलेगा राइट तो दोनों ही फीजेबल सोल्यूशन है तो हम इस सोल्यूशन पे करेंगे तो नाव अब इसको कोड करते हैं तो मैंने क्या बोला सबसे पहले तो मैं एस के अंदर एस डॉट ट्रिम करा लेती हूँ जो कि क्या करेगा एक हमें ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें कि स्पेसिस नहीं है अब इसका मतलब इस ट्रिम फंक्शन ये सारे स्पेसिस को खत्म नहीं करता ये आगे के और पीछे के स्पेसिस को खत्म करता है जो मिडिल स्पेसिस हैं वो अभी भी स्ट्रिंग में रहेंगे तो अगर मैं इस वाले स्ट्रिंग की बात करूं तो इसके अंदर ये जो आगे के स्पेसिस हैं और ये वाले पीछे के स्पेसिस हैं ये खत्म हो जाएंगे फ्लाई मी टू द मून हमारा बच जाएगा और ये बीच के स्पेसिस भी एज इट इज रहेंगे ठीक है अब ये करने के बाद हमें क्या करना है सबसे पहले तो हमें लास्ट इंडेक्स चाहिए स्पेस का तो हम क्या बोलेंगे कि एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस राइट हमें स्पेस का लास्ट इंडेक्स चाहिए हम क्या कर रहे थे हम लेंथ में से एस डॉट लेंथ माइनस जो भी हमारा इंडेक्स आ रहा था लास्ट इंडेक्स आ रहा था स्पेस का वो माइनस वन कर रहे थे एंड वही हम रिटर्न करा रहे थे राइट right? तो ये हम कर सकते हैं ठीक है लेट्स ट्राई टू रन इट ओके वी नीड टू कोड इन जावा सो लेट्स कॉपी दिस कोड and let's change the language to Java. Let's paste it. Let's try to run it again. And let's try to submit it. Perfect. राइट तो बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा कोड है राइट लेट्स डिस्कस द स्पेस एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी होगी कि ये जो आप अब इस इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता करने के लिए आपको इन फंक्शंस का पता होना बहुत जरूरी है कि ये फंक्शन कैसे काम करते हैं राइट right? तो जब ट्रिम फंक्शन है लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन है ये क्या करेंगे ये इंटरनली कहीं ना कहीं स्ट्रिंग को ट्रेड कर रहे होंगे तो उस केस में हमारी ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी एंड अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो ये जो एस डॉट ट्रिम फंक्शन है ये इंटरनली क्या करेगा ये ट्रिम करके एक नई स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा जो कि हम एस में स्टोर करा लेंगे एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस केस में वो ओफ एन ही होगी तो स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ओफ एन होंगी राइट एंड इफ यू वॉन्ट टू सी द कोड इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेज प्लीज चेक आउट आर ब्लॉक एंड सी हाउ कैन यू कोड इन योर प्रिफर्ड लैंग्वेज सो यार दट्स एट फॉर दिस वीडियो थैंक यू